नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे दोस्तों, जहां पर बात होगी राहुल गांधी आज संसद में जबरदस्त तरीके से गरजते हुए नजर आ सकते हैं एनडीए सरकार पर। जी हाँ दोस्तों, बजट के मुद्दे पर राहुल गांधी आज यहाँ पर बोलने जा रहे हैं, एक खबर आ रही है जानेंगे। इसके साथ ही बेहद ही बड़ी अपडेट आ रही है गुजरात से, जहां पर भाजपा को इस बार झटका लगा था, चुनाव में एक सीट हाथ से चली गई थी। और अब खबर आ रही है कि बीजेपी सांसद की निर्विरोध जीत यहां पर मुश्किल में फंस चुकी है। गुजरात हाई कोर्ट ने समन जारी कर दिया है दोस्तों, एक एक करके हर अपडेट आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे, लगातार बने रहिएगा, जानेंगे कि राहुल गांधी को यहां पर बड़ी राहत मिल चुकी है जांच के मामले में। एक एक करके हर अपडेट पहुंचाएंगे दोस्तों। खबरों की तरह बढ़ने से पहले, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार आम जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं और उनकी आवाज बन रहे हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में भी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर बताते चलें। जी हाँ दोस्तों, खबर आ रही है कि लोकसभा में आज बजट पर बोल सकते हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, संबोधन के लिए जोर पकड़ रही है कांग्रेस के सांसदों की मांग। आप लोगों को बताते चलें, विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज दोपहर में लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024 पर बोल सकते हैं। कांग्रेस सांसदों का मानना है कि राहुल गांधी को निचले सदन को संबोधित करना चाहिए, विपक्ष के नेता के तौर पर उनके संबोधन का काफी असर पड़े। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी को अंतिम फैसला लेना है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सांसदों की मांग के चलते राहुल गांधी आज यहां पर देख सकते हैं कि लोकसभा में भाषण देते हुए नजर आ सकते हैं और एनडीए सरकार को जबरदस्त तरीके से घेर सकते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए बताते चलें कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में यहां पर राहुल गांधी की लोकप्रियता काफी बढ़ी है और उनको कई अधिकार भी मिल गए हैं। अब राहुल गांधी किसी भी मुद्दे पर कितनी भी देर के लिए यहां पर लोकसभा में बोल सकते हैं और यहां पर उनको कोई भी रोक टोक नहीं होगी, ये यहां पर अपडेट आई है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी सांसद की बढ़ चुकी है मुश्किलें, गुजरात का है मामला। मुश्किल में सूरत के भाजपा सांसद की निर्विरोध जीत, गुजरात हाई कोर्ट ने जारी कर दिया है समन, मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने सूरत लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के सांसद मुकेश दलाल को समन जारी किया है, जो कि उनकी निर्विरोध जीत को चुनौती देने संबंधित दो याचिकाओं को लेकर के दिया गया है। याचिकाकर्ता के वकील PS चंपानेरी ने बताया कि जस्टिस JC दोषी की अदालत ने दलाल को समन जारी कर 9 अगस्त तक जवाब देने का निर्देश दिया है। इस मामले में 25 जुलाई को सुनवाई हुई थी और अब ये जानकारी सामने निकल के आ रही है दोस्तों। आप लोगों को यहां पर बताते चलें कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के दौरान यहां पर कोई भी ऐसी यहां पर जुगाड़ नहीं लगाई है जिससे कि उसकी सीटें बढ़ सकें। सूरत में भी यही देखने को मिला, वहां पर जितने भी कैंडिडेट थे सब पर दबाव बना करके पर्चा वापस करवाया गया और भाजपा की निर्विरोध जीत हुई, जो कि सूरत के वोटर के साथ में एक सीधे तौर पर धोखा था, उनसे वोट देने का अधिकार ही छीन लिया था भाजपा ने। और अब मामला हाईकोर्ट में पहुँच गया है दोस्तों और इनकी सांसदी तक मुश्किल में पड़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी सांसद मुकेश दलाल की। दोस्तों ये यहाँ पर अपडेट आई है, आप लोगों के अनुसार यहां पर ऐसे सांसद की जीत को रद्द किया जाना चाहिए कोर्ट की तरफ से या फिर नहीं, आप लोगों की क्या कुछ राय है दोस्तों बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही एक बड़ी अपडेट आ रही है, चौंकाने वाली दोस्तों खबर है, बताते चले आप लोगों को, राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल चुकी है, भाजपा बेनकाब हो गई है। भूपेंद्र हुड्डा, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को खट्टर की क्लीन चिट, जमीन मामले में दिया है स्पष्टीकरण, भाजपा पूरी तरह से बैकफुट पर बेनकाब हो चुकी है। बताते चले कि जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में खट्टर ने कहा कि रिकॉर्ड पर आए तथ्यों को देखने के बाद प्राइमरी तौर पर यह लगा कि किसी व्यक्ति विशेष को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया गया था, जिसके कारण यह एक राजनीतिक मुद्दा बना। हालांकि इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि इस मामले में किसी को जेल भेजने जैसी
कोई बात नहीं है, चूंकि यह मामला अभी कोर्ट में है इसलिए उन्होंने इस पर अधिक टिप्पणी करने से परहेज किया है। उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि इस जांच को राजनीतिक दुर्भावना से नहीं कराया गया था। दोस्तों मामला बताते चलें, गौरतलब है कि 2013 से 14 में हरियाणा के आईएएस अधिकारी अशोक केमका की एक रिपोर्ट के आधार पर भाजपा ने यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर हरियाणा में कौड़ियों के दाम पर जमीन देने और मोटा फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। मामले ने धूल पकड़ा और कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को यहां पर मामले में घसीटा गया। लेकिन अब जब जांच हो चुकी है पूरे मामले की, तब देख सकते हैं कि भाजपा बेनकाब हो गई है। झूठे आरोप लगाए गए थे, ये साबित हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को यहां पर परेशान करने के लिए ये सब कुछ किया गया था। 14 में चुनाव हुआ विधानसभा का, भाजपा जीत गई, उसको भी यहां पर भाजपा ने बड़ा मुद्दा बनाया था। देख सकते हैं कि भाजपा किस तरीके से चुनावी फायदे के लिए किस हद तक गिर सकती है, इस खबर से पता ही चल रहा है। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, क्या जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं मनीष सिसोदिया, सुप्रीम कोर्ट आज करेगा तय। मुकदमे में कोई प्रगति नहीं है, सिसोदिया किस दलील पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करेगा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मंत्री ने जमानत देने का अनुरोध करते हुए दलील दी है कि वह 16 महीनों से जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ मुकदमे में पिछले साल अक्टूबर से अब तक कोई भी प्रगति नहीं हुई है। शीर्ष कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड 29 जुलाई की वाद सूची के मुताबिक जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। और यहां पर देख सकते हैं कि ईडी को बड़ा झटका लग सकता है। लगातार यहां पर राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है इस मामले को पूरी तरह से, और यहाँ पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ में ही कार्रवाई की जाती है, वो भी जब यहाँ पर जांच होती है। कई महीने विपक्षी नेता जेल में रह लेते हैं, उसके बाद में पता चलता है कि विपक्षी नेता तो निर्दोष थे, उनका कोई कसूर ही नहीं था। ये यहाँ पर दोस्तों खबर आई है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अखिलेश यादव ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया। एक तरफ योगी सरकार में लगातार ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने दिग्गज ब्राह्मण नेता को विधानसभा में सपा में सबसे महत्वपूर्ण पद से यहां पर नवाज दिया है। इसके साथ ही बताते चलें कि नेता प्रतिपक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद देने में विश्वसनीयता भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। माता प्रसाद पांडे सपा के संस्थापक सदस्य हैं, सच्चे समाजवादी हैं, लंबा संसदीय अनुभव है। इतने लंबे राजनीतिक जीवन में उन पर कभी एक पैसे की बेईमानी का भी आरोप नहीं लगा। अखिलेश यादव ने शिवपाल व अन्य वरिष्ठ नेताओं से मशवरा करके माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है, ये खबर सामने निकल के आ रही है। दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इन खबरों को अपने दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।